This India is different. How 2023 is different from 2013? क्या आपको पता है कि इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और पिछले 25 साल से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स में से एक भी। मॉर्गन स्टैनली ने अपने 29 मई 2023 की रिसर्च रिपोर्ट में ये कहा कि दिस इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन 2013। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 10 इयर्स इंडिया हैज गेन्ड पोजीशंस इन द वर्ल्ड ऑर्डर विद सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द मैक्रो एंड मार्केट आउटलुक। इस रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली कहता है कि इन 10 सालों में 10 मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स ने इंडिया को एशिया का ड्राइवर ऑफ ग्रोथ बना दिया। तो क्या है ये 10 रिफॉर्म्स, समझना चाहते हो? तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द फर्स्ट मेजर चेंज इज सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म्स। India's present corporate tax rate between 20 to 25% is at par with peer countries. But companies that start operations before 2024 will only pay 15% of corporate tax rate, which is the lowest among peers. इस रिफॉर्म से इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। The second major change is formalization of the economy. मतलब इसका मतलब है कि अब सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटल होने की वजह से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन गए हैं और इससे बिजनेसेस पहले से कई ज्यादा एम्पावर हो गई है। तीसरा मेजर चेंज है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम रेरा के नाम से जानते हैं। अब हम वापस 2016 की बात करते हैं, जब रियल एस्टेट की बाइंग और सेलिंग में काफी अनअकाउंटेबिलिटी हुआ करती थी और ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। होम बायर्स वर हैविंग अ हार्ड टाइम। To tackle this problem, in May 2016, the government of India passed the RERA Act to address the woes of home buyers and sellers as well. RERA laws were introduced in May 2017. As you can see, apart from a few ups and downs, new launches of residential projects have surged astronomically from 103,000 units in 2017 to 328,000 units in 2022. Fourth change is direct to beneficiary transfers. इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है लास्ट माइल इंक्लूजन, जिसका मतलब है वैल्यू चेन में आखिरी आदमी तक का ख्याल रखना। द डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर इनिशिएटिव हैज एंश्योर्ड दैट ऑल बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट विदाउट हैविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मिडलमैन। ये मूव से गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि लास्ट माइल डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई और ट्रांजैक्शन भी ट्रांसपेरेंट हो गया। पैंडेमिक के वक्त ये काफी यूजफुल प्रूव हुआ और ट्रांसफर्ड अमाउंट सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ। द फिफ्थ मेजर रिफॉर्म इज द इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। जब कंपनीज लोन लेती है बट वापस रीपे नहीं कर पाती, उन लोन्स को इम्पेयर्ड लोन्स कहते हैं। इनसे टैकल करने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC को इंट्रोड्यूस किया था। By enforcing the IBC, lenders were allowed to liquidate the borrower's assets as quickly as possible, such that the maximum value can be salvaged from them. Iska lenders ko kafi fayda hua. 2017-18 mein impaired loans peak par pahunch chuke the, but IBC ke wajah se ye value 12-year low pe aa gayi hai. The sixth and the next big move is the flexible inflation targeting. 2009 से 2014 में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी रिलैक्स स्टेट में थी और इन्फ्लेशन तब काफी हाई था। सिंस देन इंडिया हैज टेकन होल्ड ऑफ द रेन्स एंड फोकस्ड ऑन गेनिंग बेटर कंट्रोल थ्रू इट्स ओन इंटरेस्ट रेट चेंजेस बाय द RBI। दिस हैज लेड टू द डीकपलिंग ऑफ RBI साइकिल फ्रॉम द US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट चेंज साइकिल। आपने नोटिस किया होगा कि US फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट चेंजेस अब इंडियन स्टॉक मार्केट पर ज्यादा असर नहीं करता। The seventh big change is focus on foreign direct investments. Over the last few years, the Indian government has loosened its noose around the necks of foreign direct investors, making it much easier for them to pump money into the Indian economy. Aur isse kya hua? Jo net FDI inflow 2020-12 mein $24 billion pe tha, wo 2022 mein $49.92 billion pe hai. India abhi bhi business friendly reforms ki wajah se ek lucrative business destination hai. 1980s में USA में 401 नाम का टैक्स बेनिफिटेड रिटायरमेंट प्लान रोल आउट हुआ था और 1990s में ये प्लान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बूम आया कि वो 1996 तक $1 trillion एसेट से एक्सीड हो गया। द एथ मेजर चेंज इज द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू SIP रूट, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 2016-17 की बात करें तो SIP इन्वेस्टमेंट्स का टोटल
3,660 crores पर मंथ हुआ करता था। 2022-23 में ये 13,000 crores तक पहुंच चुका है। इसीलिए इसको इंडिया 401 के मोमेंट कहा जाता है। मूविंग ऑन टू द नाइन्थ मेजर रिफॉर्म विच इज गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बूस्ट करने के लिए कई रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहला था रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम 30% टू 22% इन 2019। गवर्नमेंट का कहना है कि इस मूव से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी और पूरी इकोनॉमी बूस्ट होगी जो हमें ऑलरेडी रेजिलिएंट दिख रही है। सेकेंडली, बिटवीन 2014-15 एंड 2020-21 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स व्हिच बेनिफिटेड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स टू द ट्यून ऑफ 6.15 लाख करोड़ ड्यूरिंग दैट पीरियड। Thirdly, in the same period, 10.72 lakh crores worth of bad loans have been written off by banks. This helped them improve their bad loan portfolio. अब उनका corporate profits पर effect देखते हैं। India एक import dependent economy है, but अब हम एक popular manufacturing destination भी है। इसी वजह से India के exports gradually बढ़ रहे हैं और FY 2023 में India ने record $770 billion के exports record किए। Morgan Stanley has recorded a proportionately high growth in corporate profits. The corporate profit to GDP ratio in 2022 stood at a decade high of 4.3%. This number, however, has contracted in 2023 to 4.1% at present thanks to rising commodity prices. अब हम आ गए हैं 10th और last major change पे जो है multi-year high MNC sentiment. Multinational corporations यानी MNC अब चाइना की जगह इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए। इनमें से सबसे पॉपुलर है नंबर 1 मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, नंबर 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नंबर 3 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नंबर 4 पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान NMP, नंबर 5 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड नंबर 6 नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। All these policy reforms have made India an attractive investment destination and MNC sentiments towards India are very positive. जैसे कि हमने पहले भी कहा, investments India में आते हैं तब business grow करती है और हमारी export capability बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि इंडिया 2013 से 2023 तक कितना drastically change हो चुका है। कंक्लूड करने से पहले मैं मॉर्गन स्टैनली के इसी रिपोर्ट की एक लाइन बता देता हूं। इट सेज, इंडिया विल इमर्ज एज अ की ड्राइवर फॉर एशिया एंड ग्लोबल ग्रोथ। है ना गर्व की बात। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।